નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. હાંડોટની શ્રીમતી એનઆર પટેલ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલમાં રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ નિમિત્તે કોસ્મો ફાઉન્ડેશન દ્વારા ઓનલાઈન સેશન રાખવામાં આવ્યું હતું. દેશભરમાં રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી ત્યારે રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસે કોસ્મો ફાઉન્ડેશન દ્વારા પણ ઉજવણી કરાઈ હતી. શ્રીમતી એનઆર પટેલ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલમાં કોસ્મો ફાઉન્ડેશન દ્વારા ઓનલાઈન સેશન રાખવામાં આવ્યું હતું, જેના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ માહિતી મળી હતી. સાથે સાથે લક્ષ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય અને કેવી કેવી મુશ્કેલીઓ આવે, આ મુશ્કેલીઓથી ડરવું ના જોઈએ પરંતુ તેનો સામનો કરવો જોઈએ તેવું વિદ્યાર્થીઓને જાણવા મળ્યું હતું. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન સેશનમાં ખૂબ વિવિધ જાણકારી જાણવા મળી હતી. આજ અમારી શાળામાં કોસ્મો ફાઉન્ડેશન દ્વારા બાલિકા દિન કો સેલિબ્રેટ કરને કે લીએ અમારી શાળામાં ઓનલાઈન સેશન રખા ગયા થા, જિનકે માધ્યમ સે મુજે કઈ સારી જાણકારી મિલી ઓર હમ હમારે લક્ષ્ય કો કૈસે પ્રાપ્ત કર સકતે હૈ ઓર હમારે લક્ષ્ય કો પ્રાપ્ત કરને કે લીએ કૈસી કૈસી મુશ્કેલી આતી હૈ ઓર મુજે ઇસ સેશન કે માધ્યમ સે યે પતા ચલા કી હમે હમારે લક્ષ્ય કો પ્રાપ્ત કરને કે લીએ हमारे लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती रहेगी जो हमें उनसे डर कर बैठ जाना नहीं चाहिए, हमें उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए. जैसे जैसे कि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो कई सारे लोग होंगे जो हम उनके सामने हमारी हमारे हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनके सामने रजू नहीं कर सकते. कोई क्वेश्चन हो तो हमें हम उनको पूछ नहीं सकते, या तो हम पूछते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, या तो ये लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे. ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में आएगी, तो हमें ऐसे नेगेटिव थॉट से हमें दूर रहना चाहिए और हमें पॉजिटिव थॉट्स अपनाना चाहिए. जैसे हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं लेने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स लेने चाहिए. और इस माध्यम और इस सेशन के द्वारा मुझे कई सारी जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कैसी कैसी मुश्किलें पड़ती है और कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए. और और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पता चली कि हमारा आत्मविश्वास है तो हम आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं और हम हमारे लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं. और हमारे जीवन में एक लक्ष्य तो होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. और इस सेशन के माध्यम से मुझे ये जानना मिला कि हमें मुश्किलियों हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुश्किलियों से डर के बैठ जाना नहीं चाहिए, बल्कि हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए. और ये भी जानना मिला कि हम आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं. और कई सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती है, तो हमें इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे इस सेशन के द्वारा कई सारी जानकारी मुझे नहीं मालूम थी वो मुझे आज पता चला. रिपोर्ट नेशन प्लस न्यूज़ वडोदरा. समाचारों ना सतत अपडेट माटे
निशन प्लस न्यूज ना यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, फॉलो करो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर।